ये जानबूझ के अपने अकाउंटों में हेरा फेरी करके ये लॉस दिखा रही है, ये नुकसान दिखा रही है। नुकसान नहीं हो रहा इन बिजली कंपनियों को, फायदा हो रहा है, मोटा फायदा हो रहा है। रिलायंस वाले और टाटा वालों को 3700 करोड़ रुपए का फायदा हो गया, 3700 करोड़ रुपए का। ये पूरा फायदा दिल्ली की जनता को जाना चाहिए। तो दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ने की बजाय दाम घटने चाहिए। 4 मई को शीला दीक्षित को पता चल गया, 4 मई 2010 को, कि चेयरमैन 5 मई को ऐसा ऑर्डर पास करने वाला है जिसमें दिल्ली के अंदर बिजली के दाम घटाने को कहा जाएगा। शीला दीक्षित सरकार ने तुरंत आदेश पारित किया, डीआरसी को कहा कि आप ये आदेश पारित नहीं कर सकते, जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक इस आदेश को रोक दो। शीला दीक्षित को क्या पड़ी थी, वो हमारी मुख्यमंत्री है तो उसको तो हमारे भले की सोचनी चाहिए, वो इन कंपनियों के बारे में क्यों सोच रही है। बीजेपी को भी पता था इस बात का, अखबारों में आया था, इस बात का जिक्र हुआ था। 3 साल में बीजेपी ने इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई, संसद के अंदर और विधानसभा के अंदर बीजेपी ने इसके ऊपर प्रश्न क्यों नहीं पूछा। हिस्सा मिलता है। 2 महीने हुए हैं, अब अगले जब चुनाव आएंगे उसके 3 महीने पहले बीजेपी वाले शोर मचाना चालू करेंगे, वोट मांगने आएंगे, और चुनाव के बाद वो भी इन कंपनियों के साथ मिलकर आपके बिजली के दाम बढ़ाएंगे। कांग्रेस बीजेपी भाई भाई दोनों ने मिलकर खाई मिलाई, कांग्रेस बीजेपी भाई भाई दोनों ने लूट लिया जनता को। इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, इसमें मजाक की बात नहीं है, दोनों ने मिलकर लूटा है देश को। आप सब लोग इतनी भारी संख्या में इकट्ठे हुए, आपने इतना प्यार दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। और फिर से आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर सारी दिल्ली इकट्ठी हो गई है बिजली के बिल ना देने में, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर केस हो गए तो क्या होगा। मैं केवल ये कह दूं कि अगर सरकार हिलती है, अगर सरकार बातचीत के लिए बुलाती है, तो सबसे पहली शर्त हम यही रखेंगे कि जिन जिन लोगों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया और बिजली के बिल नहीं दिए, उनके खिलाफ सारे केस वापस लिए जाएं। ये पहली शर्त हमारी होगी। तो घबराने की बात नहीं है, कोई केस करे तो केस करवा लेना, कोई जेल भेजे तो जेल चले जाना, लेकिन मेरे को ये लगता है कि हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, भगवान हमारे साथ है और जीत अंत पंत में हमारी होगी। भारत माता की जय।